अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ घर की चीज़ों से तेल बनाऊंगी। ये जोड़ों के दर्द के लिए, कमर के दर्द के लिए, हड्डी के दर्द के लिए, उंगलियों के दर्द के लिए, जॉइंट्स पेन के लिए, अर्थराइटिस के लिए, कमर में दर्द के लिए, घुटनों में दर्द के लिए। अक्सर सुबह उठो तो एड़ियाँ इतना दर्द करती है कि पाँव ज़मीन पर रखा नहीं जाता है, एड़ियों में ऐसा लगता है कि सुइयाँ चुभ रही हैं। ये बरसों पुराना आजमूदा नुस्खा है, इसको लोग बरसों से लगाते चले आ रहे हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये जिस्म के हर हिस्सों में, जहाँ पे भी आपको दर्द हो वहाँ पे आप इसकी मालिश करें, आपको फौरी आराम आ जाएगा। तो चले बनाते हैं पेन किलर ऑयल। आधा इंच का टुकड़ा दालचीनी का लिया है मैंने, एक चमची मेथी दाना है, 6 रवे लहसुन के हैं, इसको मैं छोटे छोटे पीसेस कर लूँगी। इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए। 1 चमची अजवाइन है, 10 से 12 अदद लौंग है, ये लौंग मैंने फूल वाली ली, आप देख के लें जिसमें सारे फूल लगे हुए हो वो लौंग आप लें। ये मैंने छोटा सा टुकड़ा हल्दी का लिया है, इसको भी मैं काट लूँगी। और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का है, इसको मैंने छील लिया है, इसके भी मैं पीसेस कर लूँगी छोटे छोटे। लौंग को जो है वो मुझे साबित नहीं डालना है, लौंग को मैं कूट के डालूँगी, इसलिए जो लौंग है इसका मैं पाउडर बना लूँगी इसके अंदर। लौंग को मैंने कूट लिया है। मैंने एक लोहे की कढ़ाई ली है, अगर लोहे की कढ़ाई है तो ज़्यादा अच्छा है, वरना आप किसी भी पॉट में बना सकते हैं इसे। मैंने 1/4 कप सरसों का तेल लिया है। अब मैं इसके अंदर लहसुन डाल दूंगी, मुझे ठंडे तेल में ही डालना है सब चीज़ें। मेथी दाना डाल दूँगी, अदरक भी डाल दूँगी और ये हल्दी के पीस भी है छोटा सा, ये भी डाल दूँगी, दालचीनी का टुकड़ा और ये अजवाइन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर डाल दूँगी। इसे हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है, मुझे इसे हल्की आंच पे पकाना है ताकि सब चीज़ों का जूस अच्छी तरह से तेल में आ जाए। तो अब मैं ये लौंग भी डाल दूँगी, जो मैंने लौंग को कूट के रखा था। ये बरसों पुराना आजमूदा नुस्खा है, घुटनों में दर्द के लिए, कमर में दर्द के लिए, अर्थराइटिस के लिए या जोड़ों में दर्द हो चीज़ों के लिए ये बेस्ट है। इसे बीच में उलट पुलट करते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर पे ताकि अच्छी तरह से सारी चीज़ों का अरोमा इसके अंदर आ जाए। मैं इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पका रही हूँ, इसको तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। तेल को पकने में 20 मिनट लगे हैं, अब मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी। मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है, अब इसे मैं कवर करके इसको रात भर के लिए इसी तरह छोड़ दूंगी। अब इसे स्ट्रेनर से छान लेंगे। तेल मैंने छान लिया, ये तेल हमारा तैयार है। इसे आप वेंस की जो गठान बन जाती है उनके ऊपर लगाएं, हड्डियों पे लगाएं, जॉइंट्स पे लगाएं, जहाँ जहाँ पे आपके दर्द है वहाँ पे लगाएं। अक्सर आपने सुना होगा कि सुबह उठते हैं तो एड़ियाँ ज़मीन पे रखी नहीं जाती हैं, सुइयाँ चुभती हैं एड़ियों के अंदर, या कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है, ज़्यादा देर खड़े नहीं हो सकते, और घुटने में बहुत दर्द है, चला नहीं जाता। हर किस्म के दर्द के लिए है ये, हर घर में ये चीज़ें मौजूद होती हैं। ये घर की चीज़ों से तेल बन गया है, इसको आप लगाएं अपने बॉडी पे, जहाँ पे भी आपको दर्द हो रहा है या पूरी बॉडी में आप मालिश करें। मालिश करने के बाद थोड़ी देर आप चादर ओढ़ लें ताकि इसकी गर्माई आपके अंदर रहे। बहुत ही इफ़ेक्टिव तेल है और इससे फौरी आराम आता है। इसे आप थोड़ा थोड़ा बनाएं, ये तेल भी हमारा बहुत ज़्यादा चलेगा क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा ही लगता है, और जब ख़त्म हो जाए तो दोबारा बना लें। उम्मीद है आपको मेरी ये रेमेडी अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।